सत श्री अकाल। हुण असीं गुरुद्वारे तो बाहर आए हैं, इत्थे असीं कुछ लोगों नाल मिल रहे हैं जिहड़े इत्थों मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों चो इत्थे आ के रह रहे हैं। अगर कैमरामैन तुहानूं दिखाउण ते इत्थे इर्द गिर्द लोग स्टे कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे आ, सुन रहे आ, लंगर खा रहे आ। इस वक्त मेरे नाल एक छोटी जी एक बच्ची मौजूद ने जिन्हां दा सब तो पहले बेटा आपका नेम? माय नेम इज पूजा। पूजा, अच्छा पूजा आपने बताना है बेटा आप कहाँ से आए हो? मैं देर की सिंध से आई हूँ। अच्छा सिंध से आए हो जी। अच्छा सिंध से आप किसके साथ आए हो? अपनी फैमिली के साथ। फैमिली के साथ, फैमिली कहाँ स्टे कर रही है? रूम में। रूम में, ओके। तो आप यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो? हाँ। ठीक हो गया। अच्छा आपने मुझे बताना है कि आपने पूरे दिन में अभी यहाँ पे क्या क्या किया है? बस सुबह उठी, फ्रेश हुई, फिर सेवा की, खाना खाया और अभी आपके साथ हूँ। ठीक हो गया, तो आप सारा दिन सेवा में थे? हाँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या क्या किया है? हमने सेवा की, लंगर चलाया है। अच्छा ठीक है, आपकी फ्रेंड्स भी साथ थी? नहीं नहीं, ठीक है, अकेले थे। चलिए ठीक हो गया। अच्छा आपने मुझे ये बताना है कि आपकी जो फैमिली है क्या वो पूरी फैमिली यहाँ पे हर साल आती है? हाँ हाँ हर साल आते हैं, जब नसीब होता है तो हम सारे आते हैं। सब आते हैं। कितने दिन के लिए स्टे करते हो यहाँ पे आप लोग? चार या पाँच दिनों के लिए। चार पाँच दिन के लिए, ओके। और सब लोग सेवा वगैरह और बाकी जो लंगर वगैरह का काम है वो सब करते हो? ठीक हो गया। अच्छा और कितने लोग हैं जो सिंध से आते हैं, मतलब आप कंपैरेटिवली मैं बता सकती हूँ कि कितने लोग हर साल आते हैं? तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं। सही है, सिंध से हर साल आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा तो और यहाँ पे आप क्या देखती हो कि जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो ज़्यादा मतलब जोश से मनाते हैं या जो इंडिया से या ऐसे फॉरेनर आते हैं? नहीं नहीं, ये एक फेथ है, जिसका फेथ है वो यहाँ पर आता है। हाँ बिल्कुल, और हमें मतलब थोड़ा थैंकफुल भी होना चाहिए कि हमारी ऐसी बाउंड्री, हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ और चीज़ें नहीं चाहिए कि हमारी कोई नहीं है ना, कोई बैरियर्स नहीं है, हम डायरेक्ट घर से उठ के आ जाते हैं और फिर पैकिंग करके घर वापस चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा और आप मुझे बताओ खुशी कि आप कुछ ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत कम यंग लोग देखे हैं ना, मतलब बच्चियाँ बहुत कम हैं, बच्चे बहुत छोटे कम हैं ना, ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, तो आप लोग आते हो यहाँ पे सेवा भी कर रहे हो, तो आप क्या बताओगे बाकी लोगों को कि उनको क्यों आना चाहिए यहाँ पे? उनको आना चाहिए, यहाँ पर सेवा करनी चाहिए और 3 दिन का पारसाब होता है। हाँ। उसमें बहुत आनंद आता है दिल को। हाँ। इसीलिए उनको आना चाहिए, हर साल आना चाहिए अपने बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, ताकि एक तो आप फैमिली के साथ भी टाइम गुजारते हो और एक आप यहाँ से भी वो जो है ना पीस लेते हो, एक थोड़ा आपको फील होता है तो।